उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार यह दावे कर रही है कि बेसिक के स्कूलों की सुविधा अच्छी हो गई है, लेकिन अगर आपको इसकी हकीकत देखनी हो तो आप चले आइए झांसी के शहर कोतवाली के पास बने बेसिक प्राइमरी लक्ष्मीबाई कन्या पाठशाला में। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर बने इस कन्या पाठशाला में एक साथ दो स्कूल चलते हैं और महज एक कमरे में एक साथ 8 कक्षाओं के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। और उसमें भी कमाल की बात ये कि अगर इन विद्यार्थियों को पढ़ाई करते वक्त बाथरूम जाना पड़ जाए तो इन्हें सोचना पड़ता है कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि स्कूल में पिछले 6 महीने से बाथरूम ही नहीं है। यहाँ के विद्यार्थियों का आलम तो ये है कि उन्होंने पानी कम पीना शुरू कर दिया है ताकि बार बार टॉयलेट ना जाना पड़े, क्योंकि टॉयलेट तो है ही नहीं और ऐसे में वो जाएंगे कहाँ। स्थिति इतनी बुरी है कि यहाँ के विद्यार्थी ने आना छोड़ दिया है। क्या नाम है आपका? आस्था। कौन सी क्लास में है? 6। स्कूल में टॉयलेट है? है कच्चा। कहाँ? पीछे। तो अगर आपको टॉयलेट जाना तो फिर वहाँ पर जा पाते हो? यस मैम। और पानी की पीने का पानी मिलता है? हाँ मैम। कहाँ पे पीने का पानी? हैंड पंप पे। हैंड पंप पे? आरो नहीं लगाना, हैंड पंप से पानी पीना पड़ता है। क्या नाम है? हमारा नाम अलसिफा। हम 6। क्लास में? हाँ। कितने बच्चे पढ़ते हैं एक साथ एक क्लास में? एक क्लास में कौन कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? हम हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं। हाँ साथ में। कौन कौन सी क्लास बैठ के पढ़ते हैं? 6 और 7 और 8। अच्छा, और अच्छा ये बताओ टॉयलेट है स्कूल में? नहीं। अगर वॉशरूम आता है स्कूल तो आप लोग आप कौन सी क्लास में है? मैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्लास में है आप? टॉयलेट नहीं है और अगर बच्चों को पानी पीना हो तो इस तरीके से एक बच्चा हैंडपंप चलाता है और दूसरा इंतजार करता है कि उसमें से जब पानी निकले तो वो 2 बूंद पानी पी सके। और ये स्थिति है यहाँ के बच्चों की। ये किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आप खुद देखिए। क्या नाम है आपका? दुर्गेश। प्यास लगती है तो पानी कहाँ पीने जाती है? हैंड पंप, नल। नल पे आरो नहीं लगाना? हाँ आरो नहीं लगाना है यहाँ पे। पानी अच्छा आता है हैंडपंप? हाँ। और अगर टॉयलेट आता तो कहाँ जाते हो? बाथरूम। बना है बाथरूम? हाँ उधर। वो जो बच्चा वाला है? अच्छा, तुम और कहाँ जाते हो बाथरूम? हम भी वहीं जाते। तो ये हकीकत है बेसिक प्राइमरी लक्ष्मीबाई कन्या पाठशाला की, जहाँ विद्यार्थियों के लिए टॉयलेट नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और ऐसे में ये स्कूल राम भरोसे ही चल रहा है। इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा सुनिए। कि ये जो टॉयलेट की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर निर्माण कार्य चूँकि चल रहा है ऑलरेडी, तो ये हमने भी पता किया कि अगर टॉयलेट पहले बन सकता है तो पहले बना दिया जाए, लेकिन अगर टॉयलेट पहले बनाते हैं तो हो सकता है कि जो निर्माण कार्य है उसमें मतलब सही तरीके से ना बन पाए, तो इस वजह से उसमें पहले जैसे ये स्कूल के कक्ष बन जाते हैं उसके तुरंत बाद टॉयलेट बन जाएगा। और ये गर्मी की जो छुट्टी है इसमें पूरा निर्माण कार्य कंप्लीट करने की बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि टॉयलेट सहित पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा, तो आगे ये जो भी समस्या है इसका समाधान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।